कर जमीन में से उसको आसमान पे खड़ा कर दिया। क्या भाजपा जीतेगी इस साल अलावा रामपुर की सीट? बहुत खामोश वाला है ना, जीतेगी। अरे सब बेकार है ये ढकोस ने, उसके नाम किसके मंत्री के? कौन से मंत्री के? अरे ये यहाँ का मंत्री रह चुका था पहले यार, आजम खान। ये सड़कें बनी हुई है, तो अगर इस साल और साल बन जाता मंत्री तो पूरा रामपुर उसका ही हो जाता। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम यासीन है। यासीन साहब क्या करते हैं? टेलर। टेलर हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार रामपुर में? रामपुर में बदलेगा, चुनाव बदल जाएगा। बदलेगा? बदला है, वोटर का मूड बदल रहा है। बदल गया। बदल गया? अच्छा, क्यों? क्यों साहब, बस वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अच्छे आदमी साबित नहीं हुए। अच्छा, ये नहीं, विकास तो विकास विकास से दस, क्या होता है? 10 बार लगातार विधायक रहे। 10 बार रहने का मतलब ये आदमियों को रिक्शाएं बैठी जाएंगी। आदमियों को रिक्शाएं थोड़ी बैठी जाएंगी। अच्छा, कारोबार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ये है, अब किसी को कुछ नहीं मिला। तो आजम खान ने रोजगार नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, बहुत गरीबी हो गई शहर में। अच्छा, क्या लग रहा है भाजपा बदलेगी? भाजपा का बदलाव है ही है। और क्या, भाजपा जीतेगी इस साल, अलावा रामपुर की सीट जीतना नहीं चाहिए। क्या है उम्मीद रामपुर की? रामपुर से बीजेपी निकलेगी। रामपुर से बीजेपी निकलेगी, सक्सेना साहब निकलेंगे इस साल, अच्छे आदमी हो। और आजम खान कह रहे थे कि भेड़िया आपके दरवाजे पर खड़े हैं तो भेड़ियों को घुसने देंगे या मार देंगे? वो तो करते रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, इस अलावा उनका काम क्या है? कुछ काम नहीं, बस यही है। तो बीजेपी की उम्मीद है? बीजेपी जीत, सत्यना साहब निकलेंगे इस सलाह को, वही निकलेंगे। पक्का? पक्का, 100% इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? नाम जफर शाह। जफर शाह, जफर साहब क्या लगता है आपको, बदलाव होगा क्या इस बार? मुश्किल है। मुश्किल है? जी 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 जी। अच्छा, क्यों? ज्यादातर तादाद मुसलमानी है। हाँ, तो मुसलमान तो उसके उनके साथ हो रहे हैं बीजेपी के? अरे वो तो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं, कट कट जी, 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 नहीं, 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 वो जा तो रहा है, इतना फर्क नहीं आएगा। फर्क नहीं आएगा? नो। क्या लग रहा है? कोशिश तो ये रहेगी, देखो शायद बाकी ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, सपा आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए? एक वैसी शख्सियत आजम खान की को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए आना लोग जोश में है। आजम खान के ऊपर आरोप है। हाँ, इसकी वजह से। जी जी जी। तो क्या लगता है इसकी वजह से जोश में आ सकते हैं ये? अच्छा। हाँ, बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है? हाँ, कोशिश तो कर रही है सर, सारे नेता, बड़े बड़े नेता सत्ता में है, बड़े बड़े नेता। जी जी जी, प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार के लिए। तो क्या लग रहा है? अब बहुत खामोश वाला है ना, खामोशी वाला। हाँ, अंदाजा नहीं हो पा रहा है किसके हक में जाए। वोटर खामोश है, जो हक में आ रहे हैं तो वो लोग ज्यादातर उनके कहने से वोट डालेंगे कब। अच्छा। हाँ, शख्सियत अपनी ही अपना लगा, पहले दौर और था, दौर और है। हाँ, शख्सियत अपनी। जी 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 जी। अब प्रशासन करते तो कुछ और बात है। ओ, प्रशासन करते तो कुछ और बात है। वैसे क्या उम्मीद है? वैसे तो आसिम राजा खान का ही उम्मीद है। आसिम राजा की उम्मीद है? हाँ। आसिम राजा जीतेंगे? उम्मीद तो ज्यादातर यही है, हकीकत तो यही है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, ये बताओ इस बार क्या लग रहा है उम्मीद सपा के, भाजपा, बीजेपी की? बीजेपी की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल। अरे काहे लग रही है भैया, यहाँ तो सब कह रहे हैं कि सपा जीत रही है, सपा जीत रही है। कह रहा हूँ, हमने क्या पता भैया, हम तो सपा ने विकास किया है। अरे विकास किया आजम खान ने, विकास मुझसे मत करवाओ। मैं नहीं कहेंगे जीतेगी यार, बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? अरे सब बेकार है ये ढकोस ने, उसके नाम सब किसके? मंत्री के? कौन से मंत्री के? अरे ये यहाँ का मंत्री रह चुका था पहले यार, आजम खान का। आजम खान का? हाँ, सब नाटक है। क्यों नाटक है? क्या नाटक है? सब ड्रामा बना रही है वो। काई का? अरे रामपुर को तो पैदल हमने करा है। रामपुर में विकास किया है? अरे जमीन में से उसको आसमान पे खड़ा कर दिया। उसने क्या करा रामपुर के लिए? फर्श से अर्श पे ला दिया, जमीन पे से गरीब मजदूरों को, उसको आसमान पे क्या खड़ा, इलेक्शन में क्या क्या करा उन्होंने, मंत्री बन गया जमीन में से। सड़के चौड़ी चौड़ी बना दी। कुछ नहीं, सड़के क्या वो ऊंचे नीचे रक्षा वाले परेशान हो रहा है। ये सड़कें बनी हुई है, ये सड़कें बनी हुई है, गलियों में घुस के देखो, ऊंचा गड्ढा नीचा गड्ढा, ये सड़कें बनी हुई है, जिनसे चौका उठाना नहीं आता वो यहाँ के ठेकेदार बन गए। तो अच्छा, ऊंचा गड्ढा नीचा गड्ढा, तो योगी जी की जब सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो योगी ने नहीं किया? अरे वो तो ऐसा है कि वो जमीन, उसको तो हमने, हम ही नहीं जानते, वो हमारा नेता था, उनने जमीन पे से हमने उसको आसमान पे खड़ा करा। उसने कुछ नहीं करा, सब अपना ही कर लिया।
अपना कर लिया। हाँ, वो तो अगर इस साल और साल बन जाता मंत्री तो पूरा रामपुर उसका ही हो जाता। रामपुर उसका हो जाता। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं, उम्मीद बदलाव की है। वो तो उठेगा ही नहीं अब। अच्छा, बदलाव की उम्मीद है? हाँ, अकाश सक्सेना। हाँ हाँ, कोई भी हो वो उनमें से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी।